नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा, और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष आप आम आदमी पार्टी। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद आप। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से चर्चाएँ चल रही थी लोकसभा चुनाव से पहले, कोई भी अन्य पार्टी का पदाधिकारी लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा कर रहा था, वहीं आपने कुरुक्षेत्र के रण में जाकर हुंकार भरी आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहां का किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस रहा? आपने मजबूती से इलेक्शन को लड़ा, क्या अनुभव आपका रहा? जी डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत अनुभव रहा। हर गाँव में, हर शहर में 36 बिरादरी मुझे वोट दे रही थी, मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा था। परंतु मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शहरों में जो मीडिया का प्रभाव रहा जी, विशेषकर जो नेशनल टीवी जी 400 पार का राग अलापते रहे जी, उसका इफेक्ट अर्बन वोटर पे पड़ा जी। डॉक्टर साहब, आपने नया नया लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ा, और जितने आंकड़े आपके बातों से पता लगा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले जितने उनके वोट है, उतने आपने व्यक्तिगत अपने आम आदमी पार्टी ने मजबूती से उन वोटों को किया। अब हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या गठबंधन के साथ इस विधानसभा चुनाव में आएगी, या इंडिपेंडेंट रूप से आम आदमी पार्टी 90-90 विधानसभा चुनाव में अपनी हुंकार भरेगी? ये गठबंधन हमारा लोकसभा चुनाव तक था। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता को मजबूत कर रही है। 30 जून को जी हरियाणा में सुनीता केजरीवाल जी आ रही हैं जी, विधानसभा चुनाव के आगाज करेंगे जी। जहाँ तक गठबंधन की बात है जी, हमारा काम है संगठन को मजबूत करना जी, सभी सीटों पर तैयारी करना। अंतिम फैसला अरविंद केजरीवाल जी का होगा जी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जेल से ही सरकार को चला रहे हैं, कितनी कमी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके विभिन्न स्टेटों में सरकारें हैं, कितनी कमी खल रही है आपको? क्या मार्गदर्शन लेने में कुछ परेशानियां आ रही हैं, या जेल के अंदर से ही मार्गदर्शन मिल रहा है? निसंदेह जब हमारे राष्ट्रीय नेता जेल में है तो तकलीफ तो है ही, परंतु उनका निर्देश हमें जेल से भी मिलता है और उनके निर्देश के अनुसार हम पार्टी को आगे चला रहे हैं जी। विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 90-90 विधानसभा चुनाव में आप मजबूती से आम आदमी पार्टी अपने चुनाव लड़ेगी, तो क्या पैमाना होगा, किन उम्मीदवारों को आप टिकट देंगे, क्या वो क्राइटेरिया होगा, क्या ईमानदार, सच्चे, देशभक्त और जो वास्तव में जमीन से जुड़े लोग हैं उनको ही मौका मिलेगा? हमारा तो एक ही क्राइटेरिया है, स्वच्छ छवि हो, अपराधी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, और समाज को साथ लेके चलता हो जी, किसी तरीके की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जी। क्या 90 विधानसभा में से किसी विधानसभा से किसी पत्रकार को भी मौका मिल सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी के अंदर हर किसी को मौका मिलता है, जो भी लाइन में लगता है, मेहनत करता है। हम तो जनता से पूछते हैं, जनता जिसको कहते हैं उसको टिकट देते हैं जी। आपने सुनीता केजरीवाल जी का जिक्र किया, उनके कार्यक्रम कितनी तारीख को होना है, और क्या वो स्थान निर्धारित हुआ है या अभी उस पर विषय पर चर्चा बाकी है, थोड़ा बताते चलें डॉक्टर साहब। 30 जून को होना है, चर्चा थोड़ी सी बाकी है जी, स्थान तय हो जाएगा, एक दो दिन में सबके सामने आ जाएगा जी। मेरा अंतिम निवेदन डॉक्टर साहब, राजनीति को किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? राजनीतिक विशेषज्ञ राजनीति को कहते हैं समस्या समाधान की कुंजी, तो डॉक्टर सुशील गुप्ता किस नज़रिए से राजनीति को देखता है? डॉक्टर साहब देखिए, राजनीति सेवा का एक माध्यम है। राजनीति, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दूध का क्या रेट होगा, उसके कपड़ों का क्या रेट होगा, और अंतिम में जब शमशान में जाता तो लकड़ी का क्या रेट होगा, यहाँ तक की चीज़ों के निर्धारण में राजनीति का बहुत बड़ा योगदान होता है जी। परंतु राजनीति में आजकल भ्रष्टाचारी भी बहुत घुस गए हैं,
उनसे अगर बच के देखें तो राजनीति से बढ़िया सेवा का कोई साधन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं को मोहन भागवत जी को एक टिप्पणी करनी पड़ी, मणिपुर के बारे में करनी पड़ी, अन्य विषयों पर कि विपक्ष विपक्ष ही है, उसको शत्रु ना समझें, इस प्रकार की जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर संचालक इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उसको किस नज़रिए से आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी किस नज़रिए से देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, बतौर सांसद, एक हमारा विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन मणिपुर गया जी। मणिपुर की हालत बहुत दर्दनाक थी जी। संसद के अंदर भी हम चिल्लाए, सड़क पे भी चिल्लाए, ना तो प्रधानमंत्री अभी तक एक शब्द संसद में बोले, ना मणिपुर गए जी। तो मोहन भागवत जी ने भी जनता का दर्द सामने रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाना चाहिए और उसका रास्ता निकालना चाहिए। चलिए गुप्ता साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने आगामी विधानसभा चुनाव का विगुल 30 जून को बजा दिया है। देखने वाली बात होगी कितनी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी राजनीतिक भूमिका में नजर आती है। देखते रहे रिवोल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।